वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगी। चलें जी, आज मैं बना रही हूँ गजरेला, जो बहुत मज़े का बनता है। दूध मैंने रख दिया है हल्की आंच पर पकने के लिए, और इसमें अब मैं ऐड करूँगी चावल। चलें जी, चावल मैंने ऐड कर दिए हैं, आधा कप भिगो के रखे हुए थे, और बिल्कुल हाथ से चुरा करके, हाथ से क्रश करे हैं मैंने। और अब मैं डालूंगी इसमें गाजर। गाजर मैंने दो लिए हैं एक किलो के हिसाब से, ये है गाजर। अब गाजर ऐड करूंगी, चावल और गाजरें साथ डाल दें आप, ठीक है? थोड़ी सी रह गई है, ये भी ऐड कर दूंगी, और इसको छोड़ दूंगी मैं हल्की आंच पे पकने के लिए, ठीक है? ताकि गाजर और चावल हल्की आंच पे पकता रहे। बाकी का प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ। इसमें डाल देती हूँ मैं आपके सामने इलायची पाउडर। अच्छा जी, अब आप देख सकती हैं पक पक के गजरेला, देखें कितना सा हो गया है। यानी कि समझ लें कि अब हल्का हल्का लगने लगा है, और देखें इतना दूध मैंने पकाया है कि ये बिल्कुल खोए वाली शक्ल हो गई है चावल की और गाजरों की, ठीक है? अब मैं इसमें डालूंगी आपके सामने इलायची पाउडर। थोड़ा मैंने जब मैंने दूध उबालने रखा था जब मैंने डाला था, अब इसमें डाल रही हूँ चीनी। मीठा अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा, जितनी आपको पसंद है मीठा, ठीक है? और यहाँ मैं डालूंगी ड्राई फ्रूट, आधे ड्राई फ्रूट मैं अभी इसके अंदर डालूंगी। ये मैंने लिया है बादाम, काजू और खोपरा। ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से डाल दें जो आपको पसंद है, ठीक है? ये मैंने डाल दिए इसके अंदर आधे, और आधे मैं गार्निश के लिए रख रही हूँ। अब मैं इसको अच्छी तरह चलाऊंगी और फिर छोड़ दूंगी बिल्कुल हल्की आंच पे, और बार बार चेक करती रहूंगी ताकि ये नीचे से लगी नहीं, ठीक है? अच्छा जी, आप देख सकती हैं गजरेला हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं इसको निकाल देती हूँ। इसको मैंने अच्छी तरह घोट लिया है, क्योंकि जो चावल मोटे मोटे थे इससे अच्छी तरह घुट के और बिल्कुल स्मूथ से हो जाते हैं। अब हम चूल्हा बंद कर रहे हैं इसका, ठंडा करके डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है? चलिए जी, मज़ेदार गजरेला तैयार है। वीडियो पसंद आती है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास आए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।